मैं गाड़ी से उतरा, मैंने पूछा क्यों जाम लगा है, तो पता लगा कि चौटहा गांव के एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली है। मैं उस घर में गया, मां बाप का अकेला पुत्र था, नौजवान आक्रोशित थे। मैंने पूछा क्यों ये आत्महत्या किया, कहा कि पुलिस की भर्ती में योग्य होने के बावजूद इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और इसीलिए जब हमारी सरकार आई हम लोगों ने कहा है पुलिस सब इंस्पेक्टर और फॉलोवर्स की 1,62,000 भर्ती हम लोग लेकर के आ रहे हैं, और हर व्यक्ति को मेरिट के आधार पर बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम उसमें नौकरी देंगे। योगी सरकार 2017 में मार्च में चुनाव हुआ था, जुलाई में पहला पेपर यही कराई थी उसने, जुलाई में दिसंबर में, और सोच लीजिए आज 5 साल हो गया। कह रहे हैं कि 5 साल में जो पहली भर्ती वो नहीं क्लियर हुई। अब बताइए, अब रोजगार का हालत देखिए। 16 में भर्ती था, 17 में एग्जाम लिए हैं, 18 में हम लोग का रिजल्ट आया, 19 में ट्रेनिंग भी भेजा, 19 और 20 में हम लोग का कंप्लीट हुआ है महीने की, और हम लोग जुलाई में 20 जुलाई में घर वापस भेज दिया इन्होंने, और अभी तक हम लोग बस भटक रहे हैं। अब मैम बताइए, हम लोग को AK-47 इंसास हर राइफल की ट्रेनिंग दी गई है, और हम लोग ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं, हम लोग का कोई माई बाप नहीं है, रोजगार का ये हालत है। सोच लीजिए एक आदमी को जिसको आप वेपन की ट्रेनिंग दे चुकी है उसको आप खुले में छोड़ सकती है, तो मतलब आपके दिमाग में कुछ खुराफात तो नहीं चल रहा है मैम? आप घर बैठेंगे, आपके घर आपको अगर निकाल दिया जाए यहाँ से, आपके दिमाग में खुराफात नहीं बैठेगा? आप बताइए, आप ही बताइए, आप आज रोजगार कर रही हैं, अगर आपको कल घर बैठा दिया जाए, आप 2 साल से घर बैठे रहे, आपके दिमाग में क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा आपके दिमाग में? आप खुद सोचिए, कोई भी हो आदमी हो जिसके रोजगार नहीं है, घर में बैठा हुआ, उसका क्या करेगा? अब हम लोग ट्रेनिंग कर चुके, हमारी एज इतनी हो चुकी है, हम लोग 30 साल क्रॉस कर चुके, अब हम लोग जाएंगे कहाँ? प्राइवेट नौकरी ढूंढे या पकौड़ा बेचे, वर्दी पहन के पकौड़ा बेचे, तो यही देखेगी, सब लोग देखेंगे, दुनिया वाले देखेंगे। मैम ऐसा हाल है, आप लोग दिखाइए कम से कम। बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो जैसे आपके साथ और कितने लोग थे? 2486 लड़के घर बैठे हुए, 24 दो नहीं है, 2486 है, पूरा बैच ही बैठा हुआ है, दो जिसमें से दो बच्चों का देहांत हो गया कोरोना काल में, हो गए कोरोना, और हम लोग का इतना स्थिति, मानसिक स्थिति, और पूरी तरह से हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। मैं 24 घंटे में से 18 घंटे घर में रहता हूँ।